नमस्कार, फिर एक बार नमस्कार आप लोगों को। आप देख सकते हैं मैं इस समय खोराबार ब्लॉक के जहाँ पे वोटों की मतगणना चल रही है, मैं वहाँ पे हूँ अपने कैमरामैन दुर्गेश जी के साथ। और आगे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, आगे आप देख सकते हैं कि कोई प्रत्याशी जो है चुनाव जीता है। और चुनाव अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रहे हैं, अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग राजू पासवान चुनाव जीते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं। और आगे चलिए, कैमरा लेकर आगे चलिए। आप देख सकते हैं काफ़ी उत्साह में लोग हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से माला पहना करके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, आप देख सकते हैं अबीर और गुलाल उड़ाया जा रहा है। कोई प्रधान, राजू प्रधान चुनाव जीत गए हैं, अबीर और गुलाल उड़ाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा पीछे चलिए। लोग राजू पासवान जो चुनाव जीते हैं प्रधानी पद का, राजू प्रधान हैं, इनका चुनाव निशान था कार, और अपने चुनाव निशान कार के लिए ये जीत गया राजू प्रधान जीत गया। आप देख सकते हैं किस तरह से, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। काफ़ी भीड़ है, लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं। राजू पासवान जो प्रधान पद के प्रत्याशी आज चुनाव जीते हैं, मैं चाहूँगा, देख सकते हैं किस तरह कितनी काफ़ी भीड़ है। अरे यार, देख सकते हैं दोस्तों कितनी संख्या में समर्थक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लग रहा है कोई प्रत्याशी चुनाव जीता है। कौन प्रत्याशी है, क्या मामला है, हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं ABPS न्यूज खबर से आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी भीड़ लग रही है यहाँ भाई, माला वाला लेके क्यों खड़े हैं आप? अरे भाई साहब, हमारी प्रत्याशी जीत गए। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार निषाद नाम है हमारा। रमेश जी, क्या माला वाला लेकर के बड़ा बहुत खुशी के साथ खड़े हैं, अबीर अबीर लगा के। राजू प्रधान जिंदाबाद, राजू चाचा जिंदाबाद। कृपया करके नारेबाजी ना करें, क्योंकि गाइडलाइंस में है कि नारेबाजी, और वो नहीं, कोरोना का कल चल रहा है। आप अपनी बात को ऐसे ही बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, मैं इसको दिखाऊंगा। हाँ, क्या नाम है उमेश जी? रमेश जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मोतीराम की जनता, बोलिए समर्थक हैं, आज खुशी का दिन है, मोतीराम अड्डा की जनता की जीत है, और आज बहुत और ही ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है हमारे माननीय राजू प्रधान और शत्रुघ्न पासवान BDC प्रत्याशी। आप भी माला वाले खड़े हैं? मैं राजू प्रधान का इंतजार कर रहा हूँ। अभी आए नहीं है क्या? अच्छा, आने वाले हैं, लग रहा है सर्टिफिकेट लेके आएंगे। इसीलिए हम लोग सारे लोग उन्हीं के इंतजार में खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए, और उनके पूर्ण रूप से स्वागत किया जाएगा, जो माननीय श्री हमारे राजू प्रधान मोतीराम अड्डा से विजयी घोषित किए गए। इसके पहले भी प्रधान थे क्या? आइए और लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे एक रामनाथ जी, रामनाथ जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैंने आपका इंटरव्यू लिया था एक बार, इसके पहले भी। ये खुशी का माहौल है आज की शुभ घड़ी के मौसम पर। अरे उस बार तो आप बड़े स्लो बोल रहे, आज तो तेज बोलिए। आपका प्रधान, आपका प्रत्याशी जीता है, यह हमारे ग्राम सभा की जनता की सहयोग है और आशीर्वाद है कि राजू प्रधान का चुनाव जीतना। नहीं, आपका भी सहयोग होगा, ग्राम सभा की जनता की, आप लोग आइए आगे और भी मिले। ये सत्य की जीत हुई है आज, हमारी जनता की जीत है, मोतीराम अड्डा के गरीबों की जीत है, और ये
प्रधान जी ऐसे हैं कि पूरे गरीब से गरीब लोगों के साथ में रहने वाले हैं और इसीलिए जनता ने इनको आज जिताया है और दोबारा चुना है। जैसा कि कहना है समर्थकों का कि ये दोबारा चुने गए हैं। और आइए और भी लोगों से मिलते हैं, उनके समर्थक हैं। क्या नाम है? संजय निषाद। हाँ संजय जी, अभी रोबरी लग रहा है, होली का दिन आज ही आ गया है। होली का दिन है आज हम लोग, और आज होली का दिन है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, और जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करके सभी लोग यहाँ पे समर्थक लोग जुटे हुए हैं अपने प्रत्याशी को ले जाने के लिए। अभी हम लोग प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे हैं और हम ABPS न्यूज़ को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस मामले को उठाया है और चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि ग्राम सभा मोतीराम की अड्डा कि जनता को पैसे से कभी भी तोला नहीं जा सकता है। इस मर्दानगी भरी जनता ने अपने वोट को सही जगह पे सही प्रत्याशी को राजू पासवान को जिताकर बहुत बड़ा आभार किया है ग्राम सभा मोतीराम अड्डा के, और इसके लिए ABP न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनका कहना है, तालियां बजा रहे हैं लोग, इन लोगों का कहना है कि क्या नाम है, मोतीराम की जनता की जीत है, और क्या नाम है, माला वाला पहन करके ये लोग जो है पूरी तरह से माला वाला ले करके राजू प्रधान जी के गले में हार पहनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आइए आइए और कुछ लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अतुल जायसवाल। अतुल जी भैया इधर। अतुल जायसवाल जी आप समर्थक हैं राजू पासवान के? जी, राजू जी आज बहुत बड़े समर्थक हैं हम लोग। हाँ। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था जीत पक्की है, आपने चुनाव के दिन उनसे पूछा था? नहीं, चुनाव के पहले मैं उनसे मिला था। चुनाव के दिन भी आप मिले थे? हाँ। गेट के बाहर उन्होंने कहा था जीत पक्की है। हाँ। और उन्होंने जीत कर दिखा दिया कि उनकी बातों में दम है। राजू प्रधान जी जीते हैं, यानी कि आप लोगों की जीत है? सबकी जीत है, मोतीराम ग्राम सभा की जीत है। मोतीराम ग्राम सभा की जीत है जैसा कहना अमित कुमार जायसवाल जी का। और मैं अभी प्रत्याशी का इंतजार करता हूं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि प्रतीक्षा किया जाए, प्रत्याशी अभी जीत करके आ रहे हैं तो फिर उनसे भी कुछ करेंगे, कुछ सवाल जवाब कुछ बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजू प्रधान चुनाव जीतने के बाद इनके गाँव में एक काली माँ का मंदिर है बाबू, एक काली माँ का मंदिर है जहाँ पर राजू प्रधान माथा टेक रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएँ कितना बड़ा सौभाग्य आज इनको प्राप्त हुआ है। इतने बड़े संघर्ष में आज चुनाव जीतना बहुत मुश्किल का काम था, और उनके साथ ये जिला ये क्षेत्र BDC ये आप देख सकते हैं कि ये BDC के शत्रुघ्न पासवान जी हैं जो BDC का चुनाव जीत करके राजू प्रधान जी के साथ ही आए हैं। क्या हमारे पसियान टोला में एक रिकॉर्ड ऐसा बन गया कि हमारे माननीय शत्रुघ्न पासवान जी 667 वोट से विजयी बने हुए हैं। इनके लिए जोर तालियां, जोर जोर से जिंदाबाद। देखिए इनका कहना था समर्थक का कि 665 वोट से बहुत बड़ा अंतर है ये जीत का, 665 वोट से चुनाव ये जीते हैं, BDC का चुनाव जीते हैं शत्रुघ्न पासवान। देखिए किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं ये दोनों प्रत्याशी जो जीत करके आए हैं, आप हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। संस्कार भरपूर भरा हुआ है, और हिंदू धर्म में ये रिवाज है दोस्तों कि जब भी कोई ऐसा कार्य होता है तो ज़रूर माता के मंदिर में मत्था टेकने लोग जरूर जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम राजू पासवान जो प्रधान पद के प्रत्याशी आज चुनाव जीते हैं और उनके साथ शत्रुघ्न पासवान, मैं चाहूँगा राजू प्रधान जी से दो शब्द जरूर बात करूँ। प्रधान जी, अब तो 2010 की पुनरावृत्ति फिर दोहरा दी है आपने, और काफ़ी थके हुए महसूस कर रहे हैं आप, काफ़ी अबीर गुलाल लगे हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा बढ़िया से इसको दिखाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं प्रधान जी? बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले इस ग्राम सभा की सम्मानित जनता को कोट कोट मैं चाहूँगा नगाड़े को थोड़ा बंद करें। देखिए भावुक हो गए हैं, नगाड़े को बंद करवाइए, बोलो जरा नगाड़े को बंद करवाइए, बंद करो। नगाड़े की आवाज़ आ रही थी इसलिए राजू प्रधान जी की आवाज़ को मैं सुना नहीं पा रहा था, अब मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ क्या कह रहे थे राजू जी? सबसे पहले मैं इस मोतीराम अड्डा के ग्राम सभा की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और ये बधाई के पात्र हैं कि मुझे जैसे गरीब प्रत्याशी को रिकॉर्ड में तो जीता है, भावुक हो गए हैं।
राजू प्रधान जी का कहना है कि मुझ जैसे गरीब प्रत्याशियों को क्या पैसा को पैसे का भी चलन चला है क्या इस बार? चला है। कैसे? दो प्रत्याशी और से बहुत पैसा बांटे उठे हैं, लड़ाई तो वही बना दी है, तो मैं तरफा जीत रहा था। लड़ाई कहाँ थी? हाँ। लड़ाई तो थी ही नहीं, लेकिन पैसे के बल पर लड़ाई एकदम चॉइस कर दी जैसे। कहना है इन लोगों का, इतने खुशी है, कहना है इन लोगों का पैसे का, जैसा कि दर्शक जान भी रहे हैं कि पैसे का बहुत ही प्रचलन है, आज के समय चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं है, पैसे धन और बल के दम पर जो है आदमी चुनाव जीतता है। ऐसी स्थिति में आज राजू प्रधान जो है चुनाव जीत करके आए हैं, जाहिर सी बात है कि बड़ी बहुत खुशी की बात है। और मैं आगे एक सवाल और करूँगा राजू जी से। राजू जी, आप आगे जनता की सेवा में क्या क्या निछावर करना चाहेंगे अपना? जो किसी ने आज तक नहीं किया मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए करूंगा, दिन रात करूंगा, हर सुख दुख में करूंगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं राजू प्रधान जी का कहना है, जैसा कि आपने सुना अभी हमारे कैमरे के सामने भावुक भी हो गए हैं राजू प्रधान जी, इनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, सीधा दिखाई साफ साफ दिखाई दे रहा था। इनका कहना है कि पूरा पाँच साल का जो मेरा कार्यकाल रहेगा, हमारे ग्राम सभा के प्रत्येक व्यक्ति के साथ मैं कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूंगा, लोगों के हित के लिए मैं काम करूंगा। आगे और भी सवाल पूछते हैं राजू जी, जब चुनाव मतगणना चल रही थी उस समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में, क्योंकि पैसा धन बल का प्रयोग भी हुआ था? डर तो वहीं से था शुरू से। और हुआ भी ऐसा क्योंकि हम लोग 3 बूथ तक हार रहे थे चुनाव, 250 से मुझे नहीं लगा कि मैं चुनाव जीत पाऊंगा। धन्यवाद है मेरे गांव की जनता को जो 100% वोट देकर मोतीराम ग्राम सभा की जनता को। जी, मोतीराम ग्राम सभा की जनता को। देखिए राजू प्रधान जी का कहना है कि बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने मोतीराम अड्डा क्षेत्र की जनता के, जिन्होंने हम जैसे गरीब प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया और जहाँ धन और बल का पूरा प्रयोग किया गया था दोस्तों, उस परिवेश में आज राजू प्रधान जी चुनाव जीते हैं। एक अंतिम सवाल चलते चलते जरूर, राजू जी बहुत सारे प्रत्याशियों को हमने देखा है, लेकिन जो चीज़ आपके अंदर हमने देखा है, आप जीतने के बाद शायद ये माता काली का आपके गांव का मंदिर है, आप माता के दरबार में मत्था टेकने आए, ऐसे विचार कैसे आए आपके दिल में? शुरू से संस्कार मेरा ये है, मैं स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं स्वार्थ रहेगा तभी माता के मंदिर में मत्था टेकने आऊँगा, मेरा हमेशा का काम है, डेली का काम है। माता ने आशीर्वाद दे दिया आपको, अब इससे बड़ा आशीर्वाद क्या चाहिए आपको? देखिए राजू प्रधान जी का कहना है माता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या चाहिए था। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा और समर्थकों को भी दिखाएं, भारी संख्या भीड़ से घिरे हुए हैं राजू पासवान जी थके हुए भी हैं और इनके साथ मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा इधर दिखाएं, कैमरे को इधर करें। राजू पासवान जी के साथ आप देख सकते हैं एक और नौजवान खड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? श्री शत्रुघ्न पासवान जी। शत्रुघ्न पासवान जी, जीत की खुशी, जीत का ये माहौल कैसा लग रहा आपको? जीत की खुशी तो मुझे नहीं थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई का स्थिति उस समय बहुत दयनीय थी, मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं अकेला जीत जाऊँगा तो मैं किसको मुँह दिखलाऊंगा, ये मेरे अंदर ये इतना दर्द था। और अब हम लोग दोनों भाई, हमारे छोटे हैं, हम इसे बड़े हैं, हम लोग दोनों जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर पूरे समाज का सेवा किया जाएगा। राजू प्रधान जैसा कहना है, देखिए दोस्तों काफ़ी समर्थक हैं, नारेबाजी करना जाहिर सी बात है, नारेबाजी होने भी चाहिए, खुशी का माहौल है। देखिए ऐसा कहना है शत्रुघ्न पासवान जी का कि दोनों भाई, हम और राजू पासवान जी दोनों भाई कंधे से कंधा मिला करके एक साथ मोतीराम क्षेत्र की जनता की सेवा में हम लोग एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे, जहां भी सेवा भाव का मौका मिला मोतीराम क्षेत्र की जनता का सेवा करेंगे। मैं इसी शब्दों के साथ मैं जितेंद्र कुमार ABPS न्यूज़ चैनल से आपको करता हूं धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बहुत